प्यारे दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य खान पान में अच्छी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता तो उसमें उस मनुष्य को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तथा यह तब होती है जब आप बासा भोजन खाते हो, यानी कि बहुत पुरानी ब्रेड खा लेना, या फिर बासी बिस्कुट खा लेना, या जो रोटी और सब्जी मिलती है वो बासी हो, तो उस समय जो हमारी जीर्ण शक्ति है इसको बाहर निकालना चाहती है, या यह जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाकर पेन करना स्टार्ट कर सकती है। आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है। ऐसे समय में है आप एक बेस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। यह मुझे एक बहुत बड़े सन्यासी ने बताई थी, और आप ही की तरह मैं भी गलती से गलत भोजन खा लिया था, जिससे मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो बहुत सारी मेडिसिन मैंने ली, परंतु ठीक नहीं हो सका। बट जो सन्यासी जी ने मेरे को बताया था, विद इन 5 और 10 मिनट्स में मेरी फूड पॉइजनिंग ठीक हो गई थी। उस मेडिसिन का नाम है अजवाइन। इस अजवाइन को आपने एक कटोरी में डाल देना है, उसमें कुछ मीठा जैसे शक्कर है वो उसमें डाल सकते हो, अदरवाइज हल्का सा नमक सेंधा वो डाल सकते हो। अदरवाइज इसको सिंपली इसको कटोरी में डालकर पूरी एक कटोरी आपने इसको खाना है, चबा चबा के खाइए, और विद इन 5 और 10 मिनट्स में आपकी फूड पॉइजनिंग की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। आपके पेट में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो ये बेस्ट औषधि है, ये बेस्ट मेडिसिन है, इसका नाम है अजवाइन। बाजार में जाइए, वहां से खरीदिए इसे, और साथ ही साथ इसको चबा चबा के खाइए, और इससे आपकी फूड पॉइजनिंग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इट इज 100% श्योर। थैंक यू।